सरकारी कर्मचारियों को ईद का एडवांस तोहफा 15% वेतन वृद्धि पर भी जल्द ही आएगा आदेश। जी हां दोस्तों, एक बड़ी ही अच्छी और खुश खबर। तो इस खबर के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने कोरोना काल में मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए राहत वाला कदम उठाया है। सूबे में इस बार इन टीचर्स को ईद से पहले ही वेतन दे दिया जाएगा। सरकार ने इन लोगों की तनख्वाह जारी किए जाने के लिए 583 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। बताया जा रहा है कि सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सैलरी के लिए 33 करोड़ रुपए की रकम फौरी तौर पर जारी कर दी गई है और इसके संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा महालेखाकार को 8 मई 2021 को पत्र भी लिख दिया गया है। और यहां पर यह कहा गया कि ईद से पहले पहले इन सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में जमा कर दी जाए और इसके अलावा इन कर्मचारियों की सैलरी में यहाँ पर 15% बढ़ोतरी किए जाने की चर्चा चल रही है और जल्दी ही उसके बारे में सरकार के द्वारा आधिकारिक आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो ये फिलहाल काफ़ी अच्छी खबर बिहार में काम करने वाले टीचर्स और अन्य स्टाफ के लिए कि जल्दी ही उन्हें यानी कि ईद से पहले उन्हें सैलरी मिल जाएगी और साथ में 15% सैलरी में बढ़ोतरी का आदेश भी सरकार के द्वारा जल्दी ही जारी किया जाएगा। तो ये एक कोरोना काल में काफ़ी अच्छी और खुश खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए।